बच्चों आज की कहानी है सारी दुनिया मेरी है। एक बहुत प्यारा सा बच्चा था टीटू। टीटू पढ़ने में भी बहुत मन लगाता था और काफी समझदार था। उसकी एक प्यारी सी दोस्त थी गोल्डी। गोल्डी एक गोल्ड फिश थी। वो रोज गोल्डी से मिलने जाता और नदी किनारे दोनों बहुत सी बातें किया करते और बहुत मस्ती करते थे। एक दिन जब टीटू गोल्डी से मिलने आया, उसने कहा, गोल्डी गोल्डी देखो, आज मेरे फ्रेंड्स आए हैं। आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करूँगा। गोल्डी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। टीटू उसके बाद दोस्तों के साथ खेलने में लग गया। सारे दोस्तों ने बहुत धमाचौकड़ी की। उन्होंने गाना गाया, डांस किया और क्रिकेट भी खेला। लेकिन कुछ तो गलती हो गई। जाते जाते उनके दोस्तों ने सारा कचरा नदी में फेंक दिया। आपको क्या लगता है, ये सही किया या गलत किया? दूसरे दिन जब टीटू गोल्डी से मिलने आया तो गोल्डी काफी नाराज थी। गोल्डी ने कहा, टीटू तुमने देखा तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया? तो टीटू ने कहा, हाँ मैंने देखा, उनसे थोड़ी गलती हो गई। गोल्डी ने कहा, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टीटू आप अपने घर में कचरा फैलाते हो क्या? टीटू ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर को बहुत साफ रखता हूँ और सारा कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालता हूँ। गोल्डी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर को तो साफ रखते हो, लेकिन घर के आसपास का एनवायरनमेंट जो है, आपका जो वातावरण है, उसको आप गंदा करते हो। टीटू ने कहा, मुझे पता है आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका घर गंदा हुआ है। मछली ने कहा, टीटू ये नदी सिर्फ मेरी नहीं है, ये आपकी भी है। क्या आप लोग पानी नहीं पीते हो? आपको पानी की जरूरत नहीं है। तब टीटू को समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने गोल्डी से माफी मांगा और उसने कहा, गोल्डी आज से मैं सिर्फ अपने घर की नहीं, घर के आसपास और नदी किनारे सारे जगह का ख्याल रखूंगा। कहीं भी कचरा नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि सिर्फ घर मेरा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया मेरी है। बच्चों आपको भी याद रहेगा ना।